उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में वैसे तो बहुत लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ प्रस्तुत है संक्षिप्त जानकारी। अंग्रेजी में उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल कहते हैं। यह धरती के दो छोर होते हैं। दोनों ही ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। उत्तरी ध्रुव में 23 मार्च के लगभग सूर्य उदित होता है और 6 महीने तक यहाँ पर दिन रहता है। इसके विपरीत दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने तक रात बनी रहती है। फिर 23 सितंबर आते आते दक्षिणी ध्रुव सूर्य के समक्ष आ जाता है और यहाँ 6 महीने तक सूर्य उदित रहता है, तो यहाँ पर 6 महीने तक दिन बना रहता है। और इसके विपरीत उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी देश या इसकी सीमाएं उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से लगती है वहां भी अमूमन इतने ही समय दिन और रात रहते हैं। उत्तरी ध्रुव में स्थित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, आइलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है, जबकि दक्षिण ध्रुव में स्थित अटलांटिका महाद्वीप है जहां किसी भी प्रकार की आबादी नहीं रहती है। उत्तरी ध्रुव हमारी धरती का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है जहाँ पर धरती अपनी धुरी पर घूमती रहती है। यह अटलांटिका महासागर में पड़ता है और यह अत्यधिक सर्दी पड़ती है। इस ध्रुव के आसपास का महासागर बहुत ठंडा है और सदैव बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है और महासागर में बर्फ के पहाड़ तैरते रहते हैं। उत्तरी ध्रुव में समुद्र पर जमी बर्फ की परत 2 से 3 मीटर तक मोटी होती है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तुलना में कम ठंडा है क्योंकि यह महासागर के मध्य में समुद्र स्तर पर स्थित है। सर्दियों में यह का तापमान -43 डिग्री से -26 डिग्री के बीच में बना रहता है और औसतन लगभग -34 डिग्री तक होता है। गर्मियों में यह तापमान औसतन जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उत्तरी ध्रुव से आप ध्रुव तारे को सदैव आकाश में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ध्रुव तारा सदैव उत्तर में ही दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में अर्धरात्रि के सूर्य यानी मिडनाइट सन और ध्रुवीय रात पोलर नाइट का दृश्य भी देखने को मिलता है। उत्तरी ध्रुव पर रहा जा सकता है, हालांकि यहाँ वनस्पति बहुत कम मिलती है, लेकिन महासागर के पानी में कई तरह के प्लैंकटन भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जमीन पर रहने वाले ध्रुवीय भालू और समुद्र एवं भूमि दोनों पर रहने वाले सील भी मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे दक्षिण ध्रुव की। दक्षिण ध्रुव पर पड़ने वाला महाद्वीप है अटलांटिका। यह बहुत ही ठंडा स्थान है। यह रहना किसी भी की बस की बात नहीं है। यह एक बर्फीला तूफान चलता रहता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचना कठिन है क्योंकि यह एक पर्वतीय महाद्वीपों पर स्थित है जो बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। दक्षिण ध्रुव का 2% भाग चट्टानों और 90% भाग बर्फ से बना है। चट्टानों पर कई और लाइकेन पाई जाते हैं। 9000 फीट से भी अधिक बर्फ की मोटी चादर या बिछी रहती है। यही कारण है कि यहाँ उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी -89.2 डिग्री तक हो सकता है। यहाँ का ये न्यूनतम तापमान है। पेंगुइन नामक उभयचर प्राणी केवल दक्षिण ध्रुव पर ही पाया जाता है, विशेष रूप से अटलांटिका में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।